हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि कुमार, योर फ्रेंड, योर टीचर। आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल, इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर। माय डियर फ्रेंड, एज यू नो वेरी वेल दैट वी हैव अपलोडेड 4 वीडियोस ऑन मॉडल, सो दिस इज द वीडियो नंबर 5। यू कैन से दिस इज द क्लास नंबर 5 ऑन मॉडल। प्यारे दोस्तों, इस क्लास को बिल्कुल आप ध्यान से देखना, इस क्लास को ध्यान से देखना और बड़ी ही गहरी बातें आप यहाँ पर सीखने जाओगे। कृपया आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। और जिस किसी ने भी चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, वो ये सारी चीज़ें करें, ठीक है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं भाई मॉडल्स की। और मॉडल के तहत आज हम बात करते हैं नेसेसिटी, एडवाइस, सजेशन या ओब्लिगेशन की, ठीक है। नेसेसिटी, ज़रूरत की, एडवाइस, सजेशन और ओब्लिगेशन। भाई किस तरीके से हम ओब्लिगेशन, एडवाइस, सजेशन, नेसेसिटी का यूज़ करते हैं मॉडल्स के अंदर। भाई कौन कौन से ऐसे मूड होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो नेसेसिटी, एडवाइस या सजेशन के लिए यूज़ होते हैं, वो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज करें और शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू या हैड टू में से कौन सा सेंटेंस के अंदर कौन सा मॉडल यहाँ पर फिट बैठता है, वो आप एक बार इसका यूज़ कर देखें, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से इसको देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सेंटेंसेस के अंदर मॉडल्स को फिट बिठाया होगा अपने नज़रिए से, जैसा भी आपने अभी तक सुना है मॉडल्स के बारे में, ठीक है। शुड का यूज़ क्या होता है, मस्ट का क्या होता है, ओट टू, हैव टू का यूज़ क्या होता है। तो आज आइए चलो सीखते हैं इसके एक प्रॉपर यूज़ के बारे में, प्रॉपर जो इसका यूज़ होता है। शुड का यूज़ होता है भाई जनरल सेंस के लिए, यस, जनरल सेंस, और नॉट इम्पोर्टेंट टू डू, भाई एक ऐसा काम जो इस स्पीकर के लिए, लिसनर चाहे उस काम को करे या ना करे, बस उसने एक एडवाइस दी है, वो चाहे ना करे या करे, उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्पीकर के लिए वो काम इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट टू डू, नॉट इम्पोर्टेंट टू डू फॉर स्पीकर, भाई लिसनर उसको चाहे करे चाहे ना करें, ठीक है। मस्ट का यूज होता है साथियों मोर इम्पोर्टेंट टू डू, मोर इम्पोर्टेंट टू डू, ठीक है। और इसके अंदर जुड़ी होती है स्पीकर की जो गर्ज है, भाई जो स्पीकर है उसकी भी गर्ज इसके अंदर जुड़ी होती है। तो आप कह सकते हैं भी स्पीकर्स कंसर्न, ठीक है, स्पीकर की जो गर्ज है इसके अंदर वो भी जुड़ी होती है कि भाई सामने वाले को वो काम वो जरूर करे, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट टू डू है, ठीक है, उसके लिए वो काम करना ज़रूरी है। ओट टू की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो ओट टू भी हमारा जनरल सेंस के लिए यूज़ होता है, भाई जनरल सेंस के लिए ही यूज़ होता है ओट टू भी, लेकिन ये यूज़ होता है भी सोशली और मोरली, सोशली और मोरली रिक्वायर्ड, भैया तो ऐसी कोई सामाजिक रिक्वायरमेंट है, या भाई हमारा जो नैतिक कर्तव्य है वो है, ठीक है, नैतिकता की रिक्वायरमेंट है या सामाजिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं साथियों ओट टू को, राइट। और अब बात करते हैं भी हैव टू, हैज टू या हैड टू, यस, हैव टू प्लूरल के लिए यूज़ होता है, आई और प्लूरल के लिए यूज, हैज टू भाई सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और इसका जो यूज होता है मेरे साथियों वो मॉडल के तहत होता है एक्सटर्नल फोर्स, क्या होता है भाई, यस, एक्सटेंडेड फोर्स आप कह सकते हैं, भाई ये एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं, एक्सटेंडेड फोर्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि ऐसा कोई ना कोई कानून है, भाई या तो एक्सटेंडेड फोर्स हो सकती है किसकी, लॉ की हो सकती है भाई, या नियमों की हो सकती है, या हो सकता है वो डिसिप्लिन की हो, यस, किसकी हो भाई, डिसिप्लिन की, राइट, कि या तो डिसिप्लिन ऐसा कहता है, या कोई नियम ऐसा कहता है, या कानून ऐसा कहता है कि भी वो जो काम है वो ज़रूर होगा। इसके आगे चलते हैं भाई, हैड टू का यूज़ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ पास्ट है, पास्ट ऑफ हैव टू, ये हैव टू का सिर्फ और सिर्फ क्या है, पास्ट है। तो इस तरीके से मॉडल्स का यूज़ होता है, आप ध्यान से वीडियो को रोकें और देखें, एक बार इसको पढ़ें। अब सेंटेंसेस की तरफ हम चलते हैं, जॉन डैश चेंज हिज वॉच एज इट लुक्स वेरी ओल्ड। तो किसी व्यक्ति ने कहा भी जॉन
जो है उसको अपनी जो वॉच है वो चेंज कर लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो पुरानी दिखती है। तो क्या इसमें जो स्पीकर है उसके लिए ज़रूरी है? क्या इसके अंदर ज़रूरी है? सोचकर देखना भाइयों, क्या इसके लिए इसके अंदर ज़रूरी है, स्पीकर के लिए ज़रूरी है कि वो लिसनर जो उसका है वो इस काम को करे, राइट? या जो जॉन व्यक्ति है, जॉन नाम का जो व्यक्ति, वो इस काम को करे? जी बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ ने उसने एक एडवाइस दी है, जनरल सेंस में दी है भाई, सामने वाला उसको करे या ना करे, जो डूअर है वो उसको करे या ना करे, ठीक है? तो कौन सी काम, कौन सा मॉडल यूज होगा भाई? शुड, ठीक है? जनरल सेंस है, नॉट इम्पोर्टेंट डू है। रिया एंड प्रिया डैश गेट देयर हाउस हाउसेस पेंटेड। तो वो करे ना करे, रिया और प्रिया अपने हाउस को पेंट करवाएं या ना करवाएं, ठीक है? बिल्कुल जनरल एडवाइस है भाई, ये सामने वाला सिर्फ एडवाइस देता है, सामने वाला सिर्फ एडवाइस देता है, ठीक है? सामने वाला एडवाइस देगा, ठीक है? जिसको दे रहा है वो आदमी उसको करे ना करे उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है? नॉट इम्पोर्टेंट टू डू है। ज्योति डैश पे द इनकम टैक्स अदरवाइज द डिपार्टमेंट मे माइट पेनलाइज हर, ठीक है? तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे मे और माइट का फैसला करें भाई, यस इसके अंदर मे आएगा या भाई माइट यहाँ पर यूज होगा, राइट? अब ज्योति का पे ना करना, ज्योति का पे ना करना, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है भाई? डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा? पेनलाइज करेगा। पेनलाइज करने का जो संभावना है वो ज़्यादा है या कम है भाई? डेफिनेटली ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो क्या होगा भाई? मे यूज हुआ, ठीक है? अब इधर आएंगे भाई, ज्योति डैश पे द इनकम टैक्स अदरवाइज द डिपार्टमेंट मे पेनलाइज हर। अगर डिपार्टमेंट ज्योति को पेनलाइज करेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या है भाई? पे करना इनकम टैक्स को एक एक्सटर्नल फोर्स है, है ना? एक एक्सटर्नल फोर्स, अगर ज्योति ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, तो उसको पेनलाइज किया जाएगा। तो क्या है साथियों? एक्सटर्नल फोर्स है भाई, ऐसा कानून है, यस ऐसा कानून है कि अगर आप टैक्स लेते हो तो उस यस कोई भी इनकम टैक्स लेते हो तो वो पे करना आपको पड़ता है, ठीक है? तो क्या करोगे भाई यहाँ? यस क्या करोगे? ज्योति के अकॉर्डिंग has to, ठीक है? आगे चलते हैं। एवरीवन डैश वेयर अ हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग अ टू व्हीलर, ठीक है? व्हाइल ड्राइविंग अ टू व्हीलर, राइट? तो यहाँ पर जो बात है दोस्तों वो किसकी है भाई? इस बात यहाँ पे रूल या रेगुलेशंस की नहीं है, बात यहाँ पे है आपकी जान की, ठीक है? इस आपकी जान की है, तो जान के भी यहाँ पर क्या होगा भाई? मस्ट मोर इम्पोर्टेंट टू डू। स्पीकर की कंसर्न, स्पीकर की गर्ज है इसके अंदर जुड़ी हुई है, ठीक है? उसको सामने वाले की चिंता है, सामने वाले की चिंता है, ठीक है? तो यहाँ पर यूज क्या होगा साथियों? मस्ट। तो कोई भी यहाँ पर भाई आप ये ना सोचें कि एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है? अब आप जो ऐसा सोचते हैं वो सिर्फ जो हेलमेट पहनते हैं ना वो चलान से बचने के लिए पहनते हैं, ठीक है? और जो हेलमेट बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया भाई? आपकी सुरक्षा के लिए। तो बात आपकी जान की है, यहाँ पर जान है तो जहान है, है ना? तो क्या यूज होगा साथियों? मस्ट। प्रशांत डैश मीट अ डॉक्टर इफ ही फील्स फीवर, ठीक है भाई? अगर वो फीवर फील करता है तो डेफिनेटली क्या है भाई? मोर इम्पोर्टेंट टू डू है। तो क्या होगा साथियों? मस्ट है भाई, मोर इम्पोर्टेंट टू डू। नेक्स्ट है वी डैश रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, भाई ऐसा क्या है? सोशली रिक्वायरमेंट है, सामाजिकता या नैतिकता हमारी क्या है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की, ठीक है? तो भाई यहाँ पर सोशली रिक्वायरमेंट है, मॉरली रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, तो क्या यूज होगा भाई? यस ओट टू, राइट? आगे बढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा डैश कम ऑन टाइम फॉर द मीटिंग बिकॉज ही इज द होस्ट ऑफ द मीटिंग, भाई मीटिंग का होस्ट कौन है? वही व्यक्ति मीटिंग के होस्ट है, और होस्ट ही ना आए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। होस्ट ही ना आए तो होस्ट के लिए तो पार्टी में आना, मीटिंग में आना क्या है? मोर इम्पोर्टेंट टू डू है, ठीक है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होगा साथियों? मस्ट। क्या होगा भाई? मस्ट यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट अभी वन डैश कीप वंस प्रोमिस, वन डैश कीप वंस प्रोमिस, एक इंसान को अपना प्रोमिस पूरा करना चाहिए, क्या है भाई? इस क्या है? या तो सोशली रिक्वायरमेंट है, या भाई नैतिकता हमारी ऐसी कहती है, ठीक है? यस, या ये भी तो हम कह सकते हैं कि भाई ये मोर इम्पोर्टेंट टू डू है, क्योंकि जो हमारा समाज का काम है वो भी हमारे वादों पर चलता है, भरोसे पर चलता है। तो आप साथियों यहाँ पर चाहें फिर इसके अकॉर्डिंग
सोशल और मॉरल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहे भाई आप इसमें ओ टू यूज़ करो चाहे भी मोर इम्पोर्टेंट टू डू के लिए आप क्या यूज़ करो साथियों, मस्ट यूज़ करें। ठीक है, पेपर में आपके एक ही ऑप्शन आएगा इसमें से, या तो मस्ट होगा या क्या होगा भाई ओ टू। ध्यान से समझना एक एक बात को बिल्कुल। वन डैश पे वंस जैप्ड। ठीक है, तो क्या है भाई मॉरल रिक्वायरमेंट है भाई, अगर हम किसी से कर्ज ले लेते हैं तो हमें वापस करना चाहिए भाई। यह भी हमारी सामाजिकता ऐसी सामाजिकता की रिक्वायरमेंट है कि हम किसी से पैसा ले लें तो उसको देना चाहिए भाई। हमारा जो समाज का काम है वो इसी भरोसे पर चलता है ना, विश्वास के भरोसे पर ही वो चलता है। तो आप क्या यूज़ करोगे भाई ओ टू। ठीक है, या इस सेंस में भी देख सकते हैं भाई, उसको वापस करना ज़रूरी भी होता है भाई, अगर पैसा किसी का ले लिया तो ज़रूरी है राइट। तो मस्ट का भी यूज हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर ये दो दो जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर आपको डरना नहीं है, कभी आप डर जाओ, हाँ डरना नहीं है। ठीक है, यस डरना नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है राइट। आपके पेपर के अंदर एक ही ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट वी डैश एंटर द लेक्चर हॉल बिफोर 9 o'clock राइट। अब बात यहाँ पर किसकी है भाई, 9 o'clock से पहले लेक्चर के अंदर हमें जाना पड़ेगा यानी है ना, पढ़ता या पड़ेगा। यहाँ पर बात किसकी आती है, साथ डिसिप्लिन की है भाई। आप लेट जाते हो, सपोज कीजिए आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो, इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हो, कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, तो लेट आते हो तो क्या है, आप डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो। आपकी क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है और आप भाई साहब अपना कॉलर को खड़े करके आए है ना, यस मुन्ना भाई इस तरीके से आते हो आप, 9:30 बजे आते हो और कहते आते हो मास्टर क्लास को पीछे कर है ना, तो मास्टर तो क्लास को पीछे नहीं करने वाला भाई है ना। तो आपने डिसिप्लिन तोड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यस वी हैव टू एंटर द लेक्चर हॉल बिफोर 9 o'clock। यहाँ पर बात किसके साथियों, रूल ऐसा है, यस क्या है भाई, रूल ऐसा है या डिसिप्लिन की बात यहाँ पर है। ठीक है, कानून की बात आप कह सकते हैं भाई, रूल की बात हो सकती है भाई, यहाँ पर डिसिप्लिन की बात यहाँ पर है। तो प्यारे दोस्तों ये था आज हमारा मॉरल्स भी, नेसेसिटी एडवाइस सजेशन और ओब्लीगेशन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा। फिर से कहना चाहूँगा भाई, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है भाई, शेयर ज़रूर करें, आप बड़ी कंजूसी बरत रहे हैं। ठीक है, शेयर इसको ज़रूर करें ताकि जिसकी जो ज़रूरत है उस तक ये पहुंच जाए, सब्सक्राइब अपने आप ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, आपको वीडियो पसंद आए ना आए आप शेयर ज़रूर करें इसको। ठीक है, तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यस इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को, बाय बाय, गुड नाइट।